अखिल भारतीय युवा गड़रिया पाल भगेल धनगर महासभा धौलपुर द्वारा जिलाध्यक्ष सुरेश भगेल लटूरी के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें पाल भगेल गड़रिया धनगर गाडरी गवाला घोसी होलकर रेवारी देवासी सहित अन्य नामों से जाने जाना वाला गरड़िया भगेल समाज ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बोर्ड बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन काल में हमेशा समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रदेश तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, जिसके लिए पूरा भारत वर्ष उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। समाज के कई पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए ऐसे विकास बोर्ड बनाए जा चुके हैं। हमारी समाज भी काफी गरीब और पिछड़े समाज में आती है, जिसकी जनसंख्या राजस्थान में भारी मात्रा में है। इसलिए गरड़िया गाडरी पाल भगेल धनगर समाज का भी बोर्ड लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में युवा जिलाध्यक्ष सुरेश भगेल लटूरी, युवा जिला महामंत्री मवासीराम भगेल, धर्मेंद्र भगेल, संजय भगेल, पुष्पेंद्र भगेला, ततेंद्र पाल, विक्रम भगेल, पुष्पेंद्र भगेल, ततेंद्र पाल, विक्रम भगेल, शिव सिंह, शेठ सिंह भगेल, सोनू, सत्येंद्र भगेल, केशव भगेल, दीपक भगेल, हरिचंद्र पाल आदि उपस्थित रहे। जो मंदिरों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, तालाब और कुओं का निर्माण कराया, जिसके लिए वो प्राचीन में बहुत मानवीय माता दुर्गा देवी अहिल्याबाई होकर रही, जिन्होंने बहुत उद्धार किए समाज के लिए, अन्य सभी वर्गों के लिए, समाज के लिए। इसके लिए हमारी समाज ये चाहती है कि हमारा वोट राजस्थान में एक अहिल्याबाई वोट के नाम से गठित हो, जिसके लिए हम युवा इस दुनिया को जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नाम करते हैं। जय भारत, जय माँ अहिल्या होलकर, अमर रहे। ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैं तो यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में लगभग 5% समाज, 5% समाज यानी व्यक्ति, हम तो यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा हमारी माता के नाम से एक बोर्ड बनाया जाए। हर समाज के प्रति सरकार कार्य कर रही है, हमारी समाज में बोर्ड देने की।